This is my 7 days solo road trip in Kerala. My journey started from Bangalore and I explored many parts of it. I captured everything that I could. And I'll show you how beautiful this place is in my 7-part travel series. Good morning from Kerala. Welcome back to the channel, guys. आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल। और अभी मैं इस वक्त थेकड़ी में हूँ, मैं अपने होम स्टे में हूँ। कल मैं यहाँ पे पहुँचा अराउंड 5:30 को, और फिर कल नींद काफ़ी अच्छी आई थी, काफ़ी अच्छे से मैंने रेस्ट किया। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं 6:30 को सो करके उठा। अभी द टाइम राइट नाउ इज़ 8:00 आई बिलीव। तो मैं रेडी वगैरह सब हो रहा था, क्योंकि आज का मेरा प्लान है थेकड़ी एक्सप्लोर करने का, थेकड़ी में घूमने का। तो देखते हैं आज कहाँ कहाँ हम थेकड़ी में घूमते हैं, कौन कौन सा प्लेसेस हम कवर करते हैं। वैसे कुछ कुछ प्लेसेस मैंने सोच करके रखा है, तो देखते हैं वो सब प्लेसेस आज हम घूम पाते हैं या नहीं। कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन। अभी तो फिलहाल इस वक्त वेदर काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वेल, धूप निकल चुकी है, लेकिन हार्श नहीं है, उतना हार्श धूप यहाँ पे अभी नहीं है। मतलब बीच बीच में क्लाउडी भी हो रही है, तो वेदर कंडीशंस तो अच्छा है। आगे देखते हैं जैसे जैसे दिन गुजरता है तो वेदर कंडीशन यहाँ पे कैसे रहते हैं। होपफुली ज़्यादा ज़ोर की बारिश ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर की बारिश हो जाएगी तो हम घूम नहीं पाएंगे। तो देखते हैं आज हमारा दिन कैसा गुजरता है। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, तो ये है होम स्टे। इधर खड़ी है अपनी बाइक, इस तरफ से रास्ता है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहा हूँ। इट्स अ नाइस प्लेस, अच्छा जगह। चलिए फिर निकला जाए यहाँ से। चलिए फिर निकला जाए। नाश्ता तो हमने कर लिया, ब्रेकफास्ट। और नाश्ते में मैंने खाया डोसा एंड लाइम सोडा। अच्छा था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था, इट वॉज गुड। और अभी हम निकल चुके हैं एक व्यू पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड सत्रम व्यू पॉइंट, जो कि थेकड़ी कुमली से 19 या 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो मैप मैंने सेट कर लिया है। ऑल दो वहाँ पे 2 या 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, और मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट सही रूट उसका क्या है, क्योंकि मैप में ठीक से वो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद वहाँ पर ऑफ रोडिंग वगैरह भी है कुछ कुछ पार्ट्स में, तो हमें शायद वहाँ पे ऑफ रोडिंग भी करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। वैसे आज मैंने प्लान किया था कि सुबह सबसे पहले मैं बोटिंग के लिए जाता, लाइक यहाँ पे जो लेक है पेरियार लेक, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, तो मैं वहीं सोचा था कि सबसे पहले वहाँ से अपना लाइक आज का दिन स्टार्ट करूँगा। बट जो स्लॉट था अर्ली मॉर्निंग, जो स्लॉट था 7:30, वो कुछ ज़्यादा ही सुबह में था। लाइक 7:30 का स्लॉट में आपको बुकिंग करने के लिए कम से कम 6 बजे तक आपको पहुंच जाना चाहिए, टिकट काउंटर। 6 बजे तो कुछ ज़्यादा ही सुबह हो गई, क्योंकि कल मैं ऑलरेडी इतना टायर्ड था, तो इसी वजह से मेरा सुबह में वो तो कैंसिल हो गया। देखता हूँ आज मुझे शाम तक कोई मौका मुझे मिलेगा तो मैं बोटिंग भी कर लूँगा। ये देखिए हमारे सामने बहुत ही शानदार व्यू, और मेरे ख्याल से ये कॉफ़ी प्लांटेशन है शायद। ये सारे जो प्लांटेशन हम देख रहे हैं ऊपर में, नहीं कॉफ़ी नहीं है, एक्चुअली टी प्लांटेशन है ये, क्योंकि मैंने कॉफ़ी प्लांटेशन भी कहीं कहीं पे मैंने देखा था। तो यहाँ पे ये पूरा चाय के बागान भी है। क्या व्यू है यार, इस तरफ पूरे चाय के बागान, वाओ। और इस तरफ भी है, बीच में ये रास्ता है, और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट कोलुमेडू। ये चारों तरफ हमारे सामने टी प्लांटेशन,
और टी प्लांटेशन के थ्रू गुजरते हुए हम अच्छा लग रहा है ये, इस तरफ भी सारे प्लांटेशन है। अभी तो खैर हम अंदर वाले रास्ते में अभी हम आ गए हैं, ये रास्ता अभी तो फिलहाल ठीक ही ठाक है, आगे देखते हैं इस रास्ते का कैसा कंडीशन रहता है। काफी अच्छा ट्रेल है ये ऑफ रोडिंग के लिए, और ये बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच। मेरे ख्याल से ये स्टॉपिंग पॉइंट है, यहीं पे सब आकर के रुकते हैं सारे जीप्स वगैरह। काफ़ी शानदार व्यू है यार। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू सतरम। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सतरम माउंट, सतरम हिल और समथिंग लाइक दैट। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा देर पहले ही पहुँचा हूँ, और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे सारे गाड़ियाँ सब आ करके यहाँ पे पार्क होते हैं। मोस्टली यहाँ पे जीप्स वगैरह आते हैं। यहाँ पे खाने पीने के लिए भी बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो आप खा सकते हो। दिस इज़ द व्यू पॉइंट, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत आता है। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हो, दैट इज़ द सतरम माउंट, और ये प्लेस काफ़ी पीसफुल है। आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हो, छोटे मोटे यहाँ पे अगल बगल ट्रेल्स भी बने हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ट्रैक करना चाहो तो ट्रैक भी कर सकते हो। यहाँ तक आने का रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में अभी देखा होगा, पूरे ऑफ रोड सेक्शन है, इसीलिए मोस्टली यहाँ पे जीप्स वगैरह आते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑफ रोड व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल अपना, तो आप अपना व्हीकल को यहाँ पे लेकर के आ सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जीप से आओ, जीप हायर करके आओ, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा उसका। अगर आपके पास बाइक है जो कि ऑफ रोड केपेबल है, माई हिमालयन, देन यू कैन ईजिली कम हियर, इट्स रियली नाइस प्लेस। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। सो स्टे ट्यून एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। चलिए अब निकला जाए यहाँ से। काफ़ी सारे यहाँ पे अभी जीप्स वगैरह आ रही है, अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे अभी जमा हो गई है सतरम व्यू पॉइंट पे। और खैर वैसा तो हो गई क्योंकि जगह ही कुछ ऐसा है। ये मेरे ख्याल से एक दूसरा रास्ता है जो एक दूसरे व्यू पॉइंट को जाता है। तो अभी जो हम व्यू पॉइंट पे गए थे वो फर्स्ट व्यू पॉइंट था, और अभी ये रास्ता मेरे ख्याल से सेकंड व्यू पॉइंट की तरफ जाता है, और ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही डैमेज्ड है, संभल के चलाना पड़ेगा इधर। ये तो पूरा एडवेंचर वाला पूरा राइड हो रहा है सुबह से। ये जो रास्ता है वैसे मैप में नहीं है, मैप में ये रास्ता शो नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारे मैंने जीप वगैरह देखे इस तरफ मिस से निकलते हुए, तो मेरे ख्याल से ये सेकंड व्यू पॉइंट की तरफ जाता है ये।
लेट्स सी आगे क्या मिलता है हमें। ये है ट्रेल, वो वाले व्यू पॉइंट, वहाँ पर भी बहुत सारे जीप वगैरह खड़े हैं। ये भी काफ़ी सही व्यू पॉइंट है। ये हम लोग वो जो माउंटेन है मेरे ख्याल से उससे और भी करीब आ गया है पहले वाले व्यू पॉइंट से कंपेयर किया जाए तो। ये इस तरफ काफ़ी स्टीप है। Alright guys, so right now I am in second viewpoint of Satram. So मेरे पीछे आप देख सकते हो that is the Satram mountain again. और ये जो view point है ये भी काफ़ी खूबसूरत view point है, और जो Satram का जो main mountain है इससे और भी नज़दीक है ये view point। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं, बहुत सारी जीप्स भी है। ऑफ रोड ट्रेल यहाँ तक आने का भी बहुत ही अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। ओवरऑल ये प्लेस काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर आराम से लाइक वन कैन स्पेंड लाइक मोर देन 1 to 2 hours। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, मेरे ख्याल से 10 और 15 मिनट्स मैं यहाँ पे रुकूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा हो रखा है, धूप छाँव यहाँ पे अभी हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, तो निकलते हैं अब हम यहाँ से Satram व्यू पॉइंट से उस तरफ। काफ़ी सही जगह था यार, मज़ा आ गया। यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे जीप यहाँ पे भरे हुए थे, लिटरली बहुत सारे जीप थे। ये है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेरेन, किधर से निकाले, इधर से निकालते हैं। कुछ ज़्यादा ही हार्डकोर ऑफ रोडिंग इधर। सच बोलूँ तो काफ़ी मज़ा आया यार ऑफ रोडिंग करके। ये भी मेरे ख्याल से एक रास्ता है जो उधर से ही आता है, Satram व्यू पॉइंट से आता है, बट क्या लाजवाब है, ऑफ रोडिंग था। ओके, तो अभी का प्लान ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ एक और व्यू पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड परंतुम पारा। वो भी काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट है जहाँ तक मैंने सुना है और पिक्चर्स में देखा है। तो अभी चलते हैं वो प्लेस परंतुम पारा, जो कि यहाँ से लगभग 9 to 10 kilometers की डिस्टेंस पे है। और मेरे सामने में जो जीप जा रही है उसमें सारे बच्चे लोग चिल्लाते हुए सब इंजॉय करते हुए। हाँ भाई, यहाँ पे एक बार आओ तो जीप सफारी ज़रूर करो, जीप राइड इस तरफ ज़रूर करो, काफ़ी एडवेंचरस रहेगा। खैर मेरे को जीप की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा एडवेंचर तो इस बाइक में हो ही जाता है। क्या व्यू है, ऑसम, चारों तरफ इधर चाय के बगान। बहुत ही शानदार, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। यहाँ पे ये छोटा सा पॉन्ड है या लेक है, आई डोंट नो, पॉन्ड ही लग रहा है। और यहाँ पे ये व्यू, वाव।
ओके तो ये हम आ गए परंतुम पारा और वाओ यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, लोग हैं उस तरफ, शायद उस तरफ व्यू पॉइंट है, इस तरफ भी कुछ लोग, मैं उस तरफ उस पहाड़ में देख रहा हूँ उधर भी कुछ लोग हैं। काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है और इस तरफ थोड़े से ऑफ रोड ट्रेल है, लेके चलते हैं गाड़ी को थोड़ा। Literally, wow. क्या सही लग रहा है, अभी तो हेजी हो रखा है, हेजीनेस की वजह से ये यहाँ पे क्लियर व्यू नहीं है। हाँ, really nice. Alright guys, so right now I am in Parantumpara viewpoint and as you can see behind me, बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ के ऊपर पूरा बादल मंडरा रहे हैं। मोस्ट लाइकली अभी थोड़ी देर के बाद हो सकता है बारिश यहाँ पे हो जाए। ये प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे दो व्यू पॉइंट है, एक टॉप वाला व्यू पॉइंट है, आई मीन नेक्स्ट टू द रोड, और एक बॉटम वाला व्यू पॉइंट है। बॉटम वाला जो व्यू पॉइंट है वो 800 मीटर्स की डिस्टेंस पे है टॉप वाले व्यू पॉइंट से, लेकिन वो पूरा डाउन हिल है और काइंड ऑफ लाइक ट्रेल बना हुआ है जिसमें आप वॉक करके नीचे तक पूरा जा सकते हो। उसे ईगल्स व्यू पॉइंट भी बोलते हैं शायद, तो वहाँ पर जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू पॉइंट है। एक बड़ा ऐसा रॉक है, वहाँ पे खड़े होकर के जा करके आप वहाँ से व्यूज़ इंजॉय कर सकते हो और टॉप से भी आप व्यूज़ इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे अभी इस वक्त काफ़ी लोग आए हुए हैं, द प्लेस इज़ लाइक क्राउडेड, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अभी आई हुई है और अभी वीकेंड है, मे बी दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा वापस थेकड़ी के लिए। चलिए फिर यहाँ से निकला जाए, काफ़ी देर हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। ओके तो अभी टाइम हो रहा है 3:20 और भूख अभी मुझे लग रही है, देखते हैं ऑन द वे में मुझे कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा तो मैं वहाँ पे रुक करके खाना खा लूँगा, अपना लंच कर लूँगा। तो आज तो मेरा दिन थेकड़ी में काफ़ी अच्छा गुजरा, सुबह से मैं निकला हुआ हूँ, खूबसूरत लैंडस्केप्स दिखने को मिले, ऑफ रोडिंग करने को मिले, काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑफ रोडिंग किया और बहुत मज़ा आया ऑफ रोड करने में। और ये देखिए पानी की बूंदें गिरना शुरू, अभी मेरे को लगता है काफ़ी ज़ोर की बारिश अभी होने जाने वाली है। Alright guys, so right now I am in Annapurna Hotel or you can call it as a restaurant. भूख काफ़ी ज़ोर की लगी हुई है, अभी मैंने अंदर जा करके खाना ऑर्डर कर दिया है। खाना पे यहाँ पे लाइक वेज थाली अवेलेबल है क्योंकि ये प्योर वेज होटल है, तो वेज थाली अवेलेबल है, आई मीन साउथ इंडियन मील। सो मैंने अभी वो खाने पे ऑर्डर किया है, देखते हैं खाना कैसा रहता है। तो अभी का प्लान ये है कि अंदर जा करके मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद फिर मैं थेकड़ी के लिए वापस यहाँ से निकल जाऊँगा। ऑलराइट तो निकल चुके हैं हम होटल से खाना खा करके, पेट भर के अच्छे से खाना तो खा लिया मैंने, द फूड वाज गुड। वैसे मैंने सोचा था कि आज मुझे वक्त मिलता तो मैं बोटिंग करने के लिए जाता पेरियार बोट हाउस, बट अभी टाइम हो रहा है 4:30 तो मेरे ख्याल से लास्ट स्लॉट जो रहता है वो 4 या 4:30 का ही रहता है शायद, आई एम नॉट टू श्योर। तो अभी जाते जाते तो खैर वक्त लग ही जाएगा, उसके बाद फिर या आई डोंट थिंक सो कि मैं वो बोटिंग आज कर पाऊँगा,
ओके सो थेकड़ी यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मैं अब ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। ये हाईवे नंबर 183 है बाय द वे, सेम हाईवे जिससे हम सुबह में निकले थे। और मेरे ख्याल से अब मैं अपना व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि आई थिंक थेकड़ी पहुँचने के बाद मैं सीधे मैं जाऊँगा अपने होम स्टे एंड देन आई विल टेक रेस्ट। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगा। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, आज का हमारा एडवेंचरस भरा व्लॉग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हमारे ये पूरा सीरीज़ केरला सीरीज़ आएगा। तो यप, मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।